तो फाइनली गाइस आज हमारे चैनल में बहुत दिनों के बाद आ गया है क्यू एन ए। ओके, तो इस क्यू एन ए में मैं आप लोगों का क्वेश्चन लूँगा और जो भी आप लोगों ने मेरे से पूछा है उसका आंसर दूँगा। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही चीज़ बोल देता हूँ फिर से कि थैंक्स फॉर द सपोर्ट, एक और बार बोल देता हूँ। ओके, और वीडियो के एंड में मैं कुछ गजब करने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो के एंड तक बने रहना। बाकी मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को और पहला क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ कि मेरे बहुत सारे हैं, मतलब इच्छाएँ हैं बहुत सारे बड़े होने के, लेकिन जो सबसे पहला मेरा मतलब आया है ना मन में वो है यूट्यूबर। तो मैं बड़ा होकर यूट्यूबर बनना चाहता हूँ और अगर आप लोग ऐसे सपोर्ट दिखाते रहोगे तो शायद एक दिन मैं बन भी जाऊँगा। ओके, और एक चीज़ बोलता हूँ कि और क्या बोलना, और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फिर से चलते हैं हम दूसरे किसी क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है ये, फेवरेट गेम एंड सॉन्ग। तो यार भी ये कोई पूछने की बात है क्या? मेरा फेवरेट गेम तो फ्री फायर ही है, और अगर फेवरेट सॉन्ग में अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बोल दूँ कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है बैड लायर। ओके, जो कि एक इंग्लिश गाना है, क्योंकि मैं ज़्यादातर हिंदी गाना मतलब सुनता नहीं हूँ, कुछ नहीं सुनता, मैं सिर्फ इंग्लिश गाने सुनता हूँ। और बात आई अब फेवरेट गेम की, तो फेवरेट गेम तो मेरा फ्री फायर ही है, आई मीन फ्री फायर मैक्स, फ्री फायर जो भी बोलो आप। ओके, ये दोनों ही मेरा फेवरेट है। और एक चीज़ मैं बोल दूँ कि मेरा फेवरेट सिर्फ फ्री फायर गेम ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे गेम्स में है जो सिर्फ ऐसे मतलब पीसी या फिर मतलब पीसी में भी होगा और प्लेस्टेशन। ओके, प्लेस्टेशन का आपको पता ही होगा। ओके, तो इसीलिए जैसे कि एक गेम है जो मेरा फेवरेट है, जिसका जो गेम का नाम है गॉड ऑफ वॉर। तो गॉड ऑफ वॉर ऐसा गेम है जो मतलब पहले मैंने देखते उसका फ़ैन हो गया था और मुझे वो फ्यूचर में खेलनी है यार। ओके, तो इसीलिए प्लीज़ सपोर्ट करते रहो, फ्यूचर में वो मेरे को खेलना भी है। ओके, वो एक PS4 गेम प्ले है, PS4 गेम है। ओके, मतलब आप PS4 में भी खेल सकते हो, PS5 में भी खेल सकते हो। ओके, और अगर आप लोग इस गेम के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हो तो यूट्यूब में सर्च करो गॉड ऑफ वॉर, तो आप लोगों को बहुत सारी मतलब वीडियोज मतलब आ जाएगी। ओके, बहुत एकदम ऐसा गेम है ना यार कि एकदम फैन हो जाओगे तुम उस गेम का। ओके, तो हम चलते हैं अभी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन है ये, तो मेरा डेली रूटीन, हाँ तो ठीक है मैं बता देता हूँ। तो मेरा दिन कुछ खास मतलब होता नहीं है, ऐसे नॉर्मल डे की तरह होता है। तो पहले मैं आप लोगों को एकदम बोलता हूँ कि मैं सुबह 6:30-7 बजे उठता हूँ। ओके, उसके बाद आप लोगों को पता ही होगा क्या करते हैं हम, टूथपेस्ट लेके। ओके, समझ रहे ना, तो वो करता हूँ, वो करने के लिए कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं मेरे को। ओके, और वो करते करते मैं मॉर्निंग वॉक भी कर लेता हूँ कभी कभार, बाहर नहीं जाता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता बाहर जाना। ओके, और उसके बाद आता हूँ, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट जिसको बोलते हैं वो खाता हूँ, ब्रेड वगैरह। ओके, और उसके बाद मतलब ऐसे 9:30-10 इस AM, ठीक है, इसके अराउंड में गेम्स खेलता हूँ। ओके, और गेम्स में खेलता हूँ 11 बजे तक, और उसके बाद 11 से 1 बजे तक मेरा फ़ोन फुली चार्ज होता है। और उसके उस टाइम उस 2 घंटे में थोड़ा सा टीवी देख के, या फिर मेरा वो जो जियो फ़ोन है उसको देख के मतलब मैं ये 2 घंटा बिता देता हूँ। और उसके बाद मैं फिर से मेरा फ़ोन लेता हूँ, और दोपहर में कभी कभार मैं गेम खेलता हूँ रिकॉर्डिंग करने के लिए, या फिर और नहीं तो मैं गेम नहीं खेलता, लेकिन पहले मैं 7-8 घंटे गेम खेलता था जब मेरे को ये फ़ोन मेरे को नया मिला था, तब 7-8 घंटे। ओके, और उसके बाद तो हो जाएगा दोपहर बजे 4:30 बजे तक ऐसे ही मतलब ऐसे ही फ़ोन मेरे हाथ में ऐसे ही। ओके, और उसके बाद 4:30 से 5 बजे तक मैंने जो भी वीडियोस मतलब बनाई आप लोगों के लिए वो मैं 4:30 से 5 बजे तक अपलोड कर दूंगा। और उसके बाद 5 से 7 बजे तक थोड़ा सा गेम्स खेलूंगा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके, और उसके बाद मैं आ जाऊंगा 7 बजे, और 7 बजे मेरे को जाना पड़ेगा मेरा ट्यूशन, तो ट्यूशन में जाऊँगा और 9 बजे मैं आऊँगा रात को 9 बजे, और 9 बजे उसके बाद खाऊँगा, खाने के लिए 1/2 घंटा हो गया। ओके, मतलब ऐसे मैं पक्का 1/2 घंटा नहीं, 27 मिनट ऐसे इतना अराउंड हो जाता है। ओके, और उसके बाद मैं फिर से गेम खेलने लगता हूँ 9:30 से 10:30, 1 घंटा गेम खेला, उसके बाद 10:30 से लेकर करीब
12 या फिर 11:30 बजे इतने देर में सिर्फ यूट्यूब देखता हूँ। ओके, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलता। ओके, क्योंकि मेरा जो नेट है मैं पूरा एकदम ख़त्म करता हूँ उसके बाद ही फोन रखता हूँ। ओके, और उसके बाद का क्वेश्चन है ये, तो ये क्वेश्चन हमारे अचिंत्य बैनर्जी ने मतलब कहा है। ओके, तो इसने बोला था कि आप फिर से बैक करके देख लेना, इसने बोला था तुम्हार नाम की। तो ये आप लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं बोल देता हूँ कि एक बंगाली लैंग्वेज है, मुझे बंगाली भी आता है। ओके, तो तुम्हार नाम की का मतलब होता है आपका नाम क्या है, मतलब मेरा नाम क्या है। ओके, तो मेरा नाम मैं अभी गूगल को पूछ के बोलता हूँ। ओके, और उसके बाद हम कुछ और क्वेश्चंस का जवाब देंगे, तो पहले पूछ लेते हैं। ओके गूगल, व्हाट इज़ माय नेम? योर नेम इज़ OTP। तो आप लोगों को मेरा रियल नेम तो पता चल ही गया होगा, गूगल ने सच ही बोला, क्योंकि गूगल कभी भी झूठ नहीं बोलते गाइस। ओके, तो अगला क्वेश्चन है ये। ओके, फेस रिवील कर दो। हाँ, तो ओके गाइस, ये बहुत ही सीरियस क्वेश्चन है, क्योंकि अभी बोल के अरे 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 इसका देखो, इसका मतलब क्या बोला यार, मैं रुको, कुछ सोच रहा था, क्या बोलना सर मेरे को यहाँ पे। हाँ हाँ, फेस रिवील यार मैं अभी नहीं कर सकता। ओके गाइस, मुझे माफ़ कर दो, मुझे खमा उसको क्या बोलते हैं उसको प्लीज बोल दो। हाँ हाँ, फॉरगिव मी। ओके, क्योंकि गाइस अभी 1K में मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है, तो मतलब फेस रिवील करने का, क्योंकि मेरा फेस बहुत अच्छा नहीं है। तो आप लोग एक चीज़ कर सकते हो जिससे आप लोगों को मेरा फेस आप लोगों को दिख जाएगा, एक चीज़ बोलूँगा जिससे आप खुद ही मेरा फेस देख सकते हो। आपके घर में आया है ना? नहीं। होगा, ज़रूर होगा। तो सुन लो, क्या करोगे सुनो, अपना फेस को लो, अपना आईना लो और अपने फेस के आगे लो और उसके बाद देख लो कि क्या है मेरा फेस, मतलब कैसा है मेरा फेस। ओके, थैंक यू। और एक चीज़ बोलता हूँ मैं कि अगला क्वेश्चन है ये, तो इसने पूछा है मेरा, ये मेरा दोस्त, तो पहले देखते हैं क्या पूछा है कि ओ ये तो कुछ अलग सा पूछा है। गर्लफ्रेंड का नंबर बोल, नंबर नहीं, गर्लफ्रेंड का नाम बोलो, नहीं तो नंबर वायरल कर दूंगा। मैं नहीं बताऊंगा। ओ भाई साहब, अरे यार ये बच्चे तो ब्लैकमेल करने के लिए एकदम मतलब ब्लैकमेल करना सीख गए। रुको, इसका तो गेम बजाना पड़ेगा। ओके, तो इसका गेम हम बाद में बजाएंगे, पहले हम देखते हैं कि इसके अगला वाला क्वेश्चन क्या है। तो अगले दो क्वेश्चन पूछा है मिस्टर हॉन्टेड यूनाइटेड ने, तो आप लोग बैक करके देख लेना। तो पहले तो पूछा है कि आप पहले नहीं या फिर पूछा है ओके पूछा है कि आप बैटमैन फ़ैन हो या फिर जोकर। तो मैं तो भाई जोकर का फ़ैन हूँ। ओके, तो ये आपको पता चल गया। और उसके बाद क्या पूछा था यार, मैंने थोड़ा सा भूल गया। हाँ, तो मैं फिर से देख, यस नाम पूछा था मेरा, तो आप तो यार पहले ही देख चुके हो कि मेरा नाम क्या है। ओके, तो और मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, बाकी और एक क्वेश्चन है तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनलिमिटेड गेमर की तरफ से, जो एज कहाँ से हो, इंस्पिरेशन टू स्टार्ट यूट्यूब, फेवरेट कलर, वन कंट्री यू वुड लाइक टू विजिट, व्हाट इज़ योर रियल नेम, रैपिड फायर, ओके, M1014 और M1887, AK47 और स्कार, टी और कॉफ़ी, अरिजीत सिंह और सोनू निगम। तो भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं एक एक जवाब देता हूँ। तो पहले क्या था, मैं रुको मैं देख के बोलता हूँ सब। ओके, आपके सामने जो अभी आया है अनलिमिटेड गेमर जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं बोल दूँ, आपके सामने जो अभी आया है तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मेरा एज। तो अभी आप मेरे को कमेंट्स में बताना कि कितना है। बाय द वे, इससे ये भी पता चल जाएगा कि आप मतलब कितना मतलब मैथ्स में कितना हो। ओके, और उसके बाद हम देखते हैं क्या क्वेश्चन अनलिमिटेड गेमर का, कहाँ से हो। तो यार मैं पृथ्वी से हूँ। ओके, तो मैं पृथ्वी में रहता हूँ और पृथ्वी में मैं एशिया में रहता हूँ और एशिया में मैं इंडिया में रहता हूँ और इंडिया में मैं रहता हूँ कहाँ पे, वेस्ट बंगाल पे। ओके, तो इसके लिए इतना ही, और मैं कुछ रिवील नहीं करना चाहता। और भी क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। इंस्पिरेशन टू स्टार्ट यूट्यूब, तो यार मेरा इंस्पिरेशन कोई फ्री फायर गेमर नहीं है, मेरा इंस्पिरेशन और कोई और बंदा है जिसका नाम है बीस्ट बॉय शुभ, जो कि हर तरीके का गेम्स खेलता है और गॉड ऑफ वॉर भी मैंने उसी के गेम प्ले से मतलब मैंने देखा है एकदम। ओके, और उसके बाद क्या था,
फेवरेट कलर? तो मेरा फेवरेट कलर है वाइट। और कहाँ, वन कंट्री यू वुड लाइक टू विजिट? तो यार मैं इंडिया में रहता हूँ और मैं हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। ओके, और यही, या हिंदुस्तान या फिर भारत भी जाना चाहता हूँ, इस दोनों में से कोई एक जगह जाना चाहता हूँ। और था क्या, हाँ, और था रियल नेम। तो रियल नेम वो तो गूगल ने आपको बोल ही दिया, तो और बोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ठीक है। और उसके बाद है रैपिड फायर 10, 14 और M887। तो मैं M887, उसको हम दो गोली बोलते हैं या फिर कट्टा, जो भी बोलो आप। उसके बाद है AK-47 और स्कार। तो यहाँ पे मैं AK-47 को चूज़ करूँगा। उसके बाद टी और कॉफ़ी, तो यहाँ पे बोथ। और यहाँ पे अरिजीत सिंह और सोनू निगम। तो अभी यार मैंने आपको बोल दिया था कि मैं हिंदी गाने सुनता नहीं हूँ, बस मैंने खुद के मर्ज़ी से एक ही गाना सुना था, खैरियत पूछो। ओके, तो या तो मैं दोनों नहीं, ऐसा तो नहीं बोलूँगा, तो इसके लिए बोथ या भी बोथ या फिर अरिजीत निगम या फिर सोनू सिंह। ओके, दोनों का नाम दोनों में मिक्स कर दिया। उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला वाला क्वेश्चन है ये, वीडियो में कभी गाली दोगे क्या? तो अभी तो मेरा कोई प्लान नहीं है गाली देने का, लेकिन मैं आप लोगों को मतलब प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी वीडियो अभी अपने वीडियो में गाली नहीं दूंगा। और जैसे कि वो जो मूड सॉन्ग है, मूड समझा ना, तो उसमें भी थोड़ा सा गाली वगैरह आया है। ओके, एफ़ से जो वर्ड स्टार्ट होता है वो वर्ड है। ओके, इसलिए मैं वो गाना को भी, गाना या फिर सॉन्ग जो भी बोला, ओके, अपने वीडियोस पे यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ऐसा ही कोई वर्ड्स मेरे वीडियो पे आ जाए। तो इसके सीधा सीधा ये हुआ कि मैं अपने वीडियो पे कोई मतलब एब्यूसिव वर्ड्स यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो इसके बाद के क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये हमारा वीडियो का लास्ट। गर्लफ्रेंड है क्या? तो मेरा तो गर्लफ्रेंड तो मतलब नहीं है यार। तो क्या क्या नहीं है, बोल दिया ना, तो ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये मतलब वीडियो का एंड। ये हम मेरे चैनल का सबसे बड़ा वीडियो हुआ है, क्यों ना वाला वीडियो, और मुझे ऐसा ही लगा था कि ये बड़ा होगा। और होप आप लोग ये बड़े वीडियो को भी मतलब देखे होगे एंड तक, तो उसको उसके लिए भी शुक्रिया। और हाँ, मैं मिलूँगा किसी अगले वीडियो पर। बहुत बातें कर ली, अब और वीडियो नहीं करूँगा लंबा। ओके, बाय बाय।